अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ग्रेड टेंथ एंड वी डिस्कस आवर फिजिक्स कोर्स ऑफ ग्रेड टेंथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन ग्रेड नाइन वी डिस्कस फर्स्ट नाइन चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड नाउ इन ग्रेड टेंथ वी स्टार्ट यूनिट नंबर 10। द नेम ऑफ यूनिट नंबर 10 इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेव्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेव्स की क्या डेफिनेशन है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉसेस द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मेन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेव्स क्या है, ये एक किस्म की डिस्टर्बेंस है। किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से उसके मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन में आ जाएँ, टू एंड फ्रो मूव करें, वो क्या है, वो वेव्स हैं। वेव्स की टू टाइप्स हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम वन बाय वन इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मैकेनिकल वेव। वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। देखें स्टूडेंट्स, जब भी वेव्स को प्रोड्यूस होना होता है उसको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जिस तरह से वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए वाटर चाहिए होता है। जब तक वाटर नहीं होगा वाटर वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इसी तरह से साउंड वेव्स हैं, आवाज़ है, साउंड को पैदा होने के लिए क्या चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है। जब तक एयर नहीं होगी तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इट्स मीन कि वाटर और एयर, ये दोनों क्या है, मीडियम। अब वो वेव्स जिनको प्रोड्यूस होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, वो है मैकेनिकल वेव्स। इसके आप एग्जांपल्स भी करेंगे। एग्जांपल्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। सेकेंड टाइप इसकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो वेव्स जिनको प्रोड्यूस होने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके एग्जांपल्स आ जाएंगी रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स। ये एग्जाम्पल्स हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। आपने इसमें वेव की डेफिनेशन करनी है, इसकी दोनों टाइप्स आपने लर्न करनी है और दोनों टाइप्स की एग्जाम्पल्स करनी है। आपका आज का काम यहाँ तक का है।